and my ass got freeze. Oh fuck. Top of the world, mighty Khardungla. The altitude is गुड मॉर्निंग एवरी वन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इट्स 8:15, सो अभी ऑलरेडी अपन लेट हो गए बिकॉज रात को अपन वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, एडिटिंग करने के चक्कर में लेट हो गया, तो अपने को मॉर्निंग में लेट हो गया। तो अभी फिलहाल अपन निकल रहे खारदुंगला के लिए। फर्स्ट ऑलमोस्ट रेडी है, मैगी मंगाई है गरम गरम, एंड देन यू नो बैक पैक्स वगैरह सब हो गए है। ये अपना दूध है, अगर दूध अच्छा रहेगा तो अपन पियेंगे। अपन ने लेह लद्दाख का परमिट निकालना ही भूल गए थे, जो कि यूजुअली मैंडेटरी होता है। अभी अगर आप कहीं पे भी लेह लद्दाख में जाओगे तो आपको बिना परमिट के लिए वो लोग किधर भी आगे जाने देंगे नहीं, एंड ये चीज़ अपने माइंड से कैसे स्लिप हो गई आई डोंट नो, बट लकीली मॉर्निंग में कुछ कुछ यू नो सोचते सोचते वो दिमाग में क्लिक हो गया, एंड देन फिर अपन ने मॉर्निंग में इमिडिएटली लद्दाख का परमिट है निकाल लिया है। तो अभी अपन ने एक्चुअली कैसा कि 4 डेज के लिए निकाला है, एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि आप लोग ये लेह लद्दाख का परमिट गूगल में लेह लद्दाख परमिट करके उधर से अपना वो ऑफिशियल उनका वेबसाइट है उसमें जाके आप लेह लद्दाख का परमिट निकाल सकते हो, एंड आपको जो ऑप्शन आते हो आपको मोस्टली सब में क्लिक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको वहाँ के पर्टिकुलर प्लेसेस नहीं पता तो अगर आप वो प्लेसेस में गए और वहाँ पे आपका परमिट नहीं है, वहाँ का आपका परमिट नहीं है, तो क्या हो जाता है फिर आप वहाँ पर जा नहीं सकते हो। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द जहाँ पर वो जो भी बॉक्सेस होते हैं सब पे क्लिक करके, एंड देन यूजुअली पर पर्सन आई गेस 550 समथिंग है। तो अभी अपन आ गए हैं अपने गाड़ी के पास, आप गाड़ी की हालत देख ही सकते हैं कितनी चकाचक हो रखी है, ये देखिए इतनी चकाचक गाड़ी। अभी अपन करते हैं इसमें सामान लोड, मतलब कल रात को ही थोड़े से जूस वगैरह एंड काफ़ी कुछ लेके रखा था, तो टंकी फुल करवाने के बाद अभी अपन जा रहे हैं खारदुंगला पास। एवरी डे इज़ अ अर्थ डे। शायद इसीलिए लद्दाख को अभी तक वर्जिन प्लेस कहा जाता है, व्यू आप देखोगे हर जगह इतना सुनसान, इतनी शांत है और इतना, और ये भाई साहब ड्राइव करना है तो बहुत ही संभाल के ड्राइव करना होगा। भैया पता चला वर्जिन जगह भी है और हम भी वर्जिन ही मर गए। तो भैया जी आज सुबह का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है, आकाशवाणी कुछ ऐसे हो रही है कि माहौल बिल्कुल साफ सुथरा है, मौसम बिल्कुल ही सही हो रखा है घूमने लायक। तो अभी अपन आ गए हैं साउथ पुलू में, जहाँ पे भी अपने को करवानी है एंट्री, ठीक है, तो आपको यहाँ पे परमिट भी दिखानी पड़ती है। तो अभी अपन है साउथ पुलू में, यहाँ पे एंट्री करवानी है, गाड़ी अपनी वहाँ पर है, तो RC बुक्स वगैरह अपन ने सब साथ में ले लिया, पेपर्स वगैरह, लेट्स सी। तो अभी अपन साउथ पुलू से निकल गए, ये अपनी ही सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि आप अभी यहाँ से निकल चुके हो तो अगर इनके आगे का इधर जाके फंस गए हो तो यूजुअली वो एक हेल्प हो जाती है कि भाई अपना ये गाड़ी इधर से पास हुई है और यहाँ से फिर रिटर्न नहीं हुई है, तो फिर उन लोगों को ढूंढने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी तो भैया तो ये देखिए क्या नज़ारे हैं, बट नज़ारों के चक्कर में कहीं अपन कुदरत के नज़ारे ना बन जाए, तो इसके गाड़ी पे फोकस। एंड अभी यहाँ से खारदुंगला तकरीबन 14 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी अपन एंटर करने जा रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये है इंडिया की खूबसूरती। तो अभी अपन है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, जिसका नाम है खारदुंगला पास, एंड ये देखिए अपनी वोल्फ यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है।
फाइनली अपन यहाँ पे पहुँच गए हैं खारदुंगला पास पे, एंड जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ही रश है, एंड जिसके लिए यूजुअली खारदुंगला फेमस है, यहाँ पे मजबूत ट्रैफिक लग गई है। एंड अभी यहाँ पे ट्रैफिक है मतलब नीचे भी गाड़ियों को रुकाया जाएगा मोस्ट। तो खारदुंगला पे है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे खारदुंगला, 18,380 feet। तो यूजुअली अपने मुंबई में 10 रुपये में गोला मिलता है, यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली फ्री 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 फ्री। मुझे दिख हाथ हाथ सवाई नहीं कर पा रहे। ओके स्माइल वेरी नाइस लुक, अकेला नहीं सबको। तो अभी फिलहाल अभी अपन चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको अगर व्यू बताए, ओ भाई साहब ये देखो सफ़ेद चादर पहाड़ों पे, आएगा सांस जो फूल रही है और फिसलन भी जो हो रही है, सोचिए। ये देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विजायक वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। द एल्टीट्यूड इज एनी गेसेस? द एल्टीट्यूड इज 17,982 feet। तो ये है खारदुंगला टॉप वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, एंड SBI की ATM है यहाँ पे। तो भाई साहब अपना हो गया डन। एक्चुअली अपन सोचे थे कि 20-25 मिनट ही रुकेंगे, बट यहाँ पे अपने को होगा 2 घंटे। भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी, एंड वो जो अपने को एक शॉट लेना था वो शॉट के लिए अपने को मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर गया। तो फिलहाल ये देखो ये मेरा सिचुएशन है, ये यहाँ का सिचुएशन है। तो ट्रैफिक अच्छी खासी हो रखी है। अरे भाई साहब हम ठोक देते अभी तुमको, मेरे कैमरा डैमेज हो जाती। और अभी गाड़ी पार्क करोगे मेक श्योर कि थोड़ा सा डिफरेंस रखो, तो आपको गाड़ी निकालने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो अभी अपन ने गाड़ी में कर दिया हीटर चालू, क्योंकि भाई साहब हाथ जिस तरह से ये देखो आपको दिखेंगे बहुत श्रिंक हो गए, एंड ड्राइव करने के लिए अपना हाथ बहुत परफेक्टली होना चाहिए, अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी बैलेंस ये होता है, मतलब अगर अपन यूजुअली ये ड्राइव करते, ठीक है, तो ड्राइव करते टाइम समटाइम्स कहता है कि हाथ स्टक हो जाता है, उतना स्मूथली नहीं घूम पाता है। तो इसके लिए पहले कभी अगर आपके हाथ फ्रीज हो गाड़ी में आइए, एंड पहले आप आपका हाथ गर्म करके ले लीजिए, एंड देन लास्ट टाइम भी इतना ही स्नो था जब भी मैं आया था, बट लास्ट टाइम मैं जुलाई में आया था, ये जून लास्ट वीक है, तो ऑलमोस्ट एक ही पकड़ के चलो, ज़्यादा कुछ। और भाई साहब ये देखो सामने का व्यू देखो, क्या ही व्यू है, इतना मस्त व्यू, मक्खन व्यू जो क्लाउड्स उसके ऊपर आए हैं। और यहाँ पे तो भाई अलग ही अपनी ऑफ रोडिंग चालू है। 1 बजने को आए, तो अपने को अभी यहाँ पे मतलब अपने को यूजुअली होना चाहिए था नुब्रा वैली में, बट अभी तक अपन है खारदुंगला में। कोई
वेलकम टू नॉर्थ पुलू। साउथ पुलू से होके अभी अपन आ गए नॉर्थ पुलू में। तो साउथ पोल और नॉर्थ पुल के बीच में आता है खारदुंगला। तो अभी यहाँ पे अपने को करवानी एंट्री एंड इसके बाद ही आपको आगे नुब्रा वैली में जाने को मिलेगा। तो यूजुअली अगर आपको चाय पानी वगैरह नाश्ता वगैरह इधर कुछ करना है तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं। तो नुब्रा वैली के लिए आपको यहाँ से एंट्री करवानी है एंड मेक श्योर कि आप चेक पोस्ट पे है, ड्रोन वगैरह फ्लाई ना करें, सो इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। और अभी खारदुंगला एंड नॉर्थ पोल के बाद यहाँ पे गाड़ी की ताबड़तोब डिस्को टेस्टिंग हो रही है। ये है भाई लद्दाख वाली फीलिंग। जो गाड़ी है देखो, आपको अभी आगे इतनी गाड़ी जा रही लेकिन कुछ विजिबिलिटी कम्प्लीटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपन दुबई में किसी रेतीले यूजुअली ऐसे चीज मतलब ऐसे प्लेसेस को कहा जाता है सैंड ड्यून्स, जहाँ पे अपन जाने वाले। बट ये देखो भाई स्टेयरिंग, आप स्टेयरिंग देखोगे खुद ही हिल रही है, खुद ही वाइब्रेट हो रही है भाई। मेरे को कुछ अगर स्टेयरिंग से आप हाथ हटा लो, ये देखो भाई इससे खुद ही हिल रही है। जैसे कि भाई ये इसके गाड़ी में एलेक्सा मोड एक्टिवेट कर दिया है। एलेक्सा ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में आ गए, किसी दुबई के रेगिस्तान में आ गए। एंड ले तड़ातड़ गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, धूल उड़ाते जा रही है। एंड बस ऐसे टाइम पे यूजुअली गाड़ी डिस्टेंस में रखना चाहिए क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एंड अगर सामने वाला कोई ब्रेक मारता तो आपको दिख के नहीं आएगा, तो फिर दोनों में पप्पी लेने के चांसेस बहुत है। तो अभी अपन पहुंच गए खालसर में एंड यहाँ से नुब्रा वैली अभी आगे ज़्यादा दूर नहीं है, एक घंटा या फिर सवा घंटा होगा। एंड अभी अपन पहुंचने वाले हैं हुडसन। बट हुडसन के पहले अपन एक मेजर मॉनेस्ट्री करने वाले हैं। वहाँ पे बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, आई मीन हाइट की अगर बात करूँ तो काफ़ी ही बड़ा है। एंड अगर आपको यहाँ से दिखता रहेगा, नहीं यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो पहले अपन उधर जाएंगे एंड देन उसके बाद अपन सैंड्यूस जाने वाले। तो जो वहाँ पे बुद्धा की मॉनेस्ट्री है इतनी अमेजिंग, इतनी खूबसूरत है एंड इतने ओपन स्काई में है। वहाँ पे आप ड्रोन उड़ा सकते हो, नो डाउट्स, बट आपको ड्रोन उड़ाने के वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी वजह से हम लद्दाख काफ़ी अच्छे रोड पे गाड़ी चला पा रहे हैं, काफ़ी सुरक्षित है। एंड